हेलो दोस्तों, मैं आप सभी लोगों का इंजीनियर प्रदीप ब्लॉग्स पर स्वागत करता हूं। आज हमारे पड़ोस में एक ट्राली ईंट आई थी और इसकी गिनती करने के लिए हमको इन्होंने बुलाया था, तो मैंने इसका गिनती किया और मैंने पाया कि इसमें 47 ब्रिक्स नंबर आप 47 ब्रिक्स कम है। तो अभी इसके मालिक से, इस जिन्होंने इसको ईंट को बुलवाया है गिरवाने के लिए इस स्थान पर, उन्होंने उनसे बात किया और वे एक्सेप्ट कर रहे हैं कि 47 ईंटें यहाँ पर कम है। तो आप कैसे गिनेंगे इसी, तो इस वीडियो के अंदर मैंने स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों को आपको अच्छे से समझाया है। अगर आप ईंट को गिनना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को बड़े ही ध्यान से देखिएगा, एक भी स्टेप को आप स्किप मत करिएगा, नहीं तो हो सकता है आपके यहाँ जो भी ट्राली आए उसकी ईंट अच्छे से न गिनती कर पाए। ठीक है दोस्तों, अक्सर आप अपने घर को बनवाने के लिए भट्टे से ईंट को मंगाते होंगे और आपके मन में ज़्यादातर ये सवाल रहता है कि हम ईंट को कैसे गिनें। तो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको ये बताना चाहूँगा, जब कभी भी आपके यहाँ कोई ईंट आए ट्राली में तो उसको गिनती कैसे करना है। सबसे पहले आप ये देखिए, वहाँ पर देखिए, एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, चार लाइन, पाँच लाइन, छः लाइन, सात लाइन, ऐसे ऐसे पर सात लाइन है और इस तरह से जितने ईंट मौजूद हैं। अभी मैंने इसको गिना तो यहाँ पर 39 ईंटें मौजूद हैं। तो आप 39 कर लीजिए। 39 करने के बाद फिर जब ट्राली इस साइड खुली हुई है, इसके स्टेप को आप गिन लीजिए जितने स्टेप हैं। तो 39 इंटू यहाँ पर 6 स्टेप है, तो मैंने 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 39 इंटू 6, एक धारी इस तरफ है 39 का, एक धारी इस तरफ है 39 का, जिसका स्टेप 6 नंबर है, तो इसको अलग हमने जोड़ लिया। फिर इसके बाद बचता है ये वाला लाइन, फिर बचता है ये वाला लाइन, इसको क्योंकि ये देखिए कुछ ऊंचाई पर है, तो ये इसको मैंने 7 ले लिया है। और फिर इसको ये 7 हो गया लाइन, तो इस तरह भी यहाँ पर भी थोड़ी ऊंचाई पर है, तो मैंने इसको 7 ले लिया। फिर 39 इंटू 7, फिर 2 कर दो क्योंकि 2 स्टेप है, एक लाइन इधर है, एक लाइन इधर है। आप भाई ये देख सकते हैं कि हमने इसका इस ट्राली में जितने भी ईंट, जितने भी स्टेप में जितने भी मौजूद है उसकी मैंने गिनती की है। तो मैं आपको एक बार समझा देता हूँ। आप ये जो किनारे वाला लाइन देख नहीं रहे हैं, ये वाला किनारे का लाइन, ये 39 है, 6 स्टेप में है और दो तरफ है। 39 इंटू 6 इंटू 2, ये हो गया 468। फिर अब ये वाला जो आप लाइन देख रहे हैं, ये वाला भी दो है, एक ही साइड है, एक इस साइड है। तो 39 इंटू 7, क्योंकि ये 7 स्टेप है, थोड़ा ऊंचा है और दो तरफ है, इसलिए 2 से गुणा हो गया। देखिए 39 इंटू 7 इंटू 2, दो तरफ है, 2 से गुणा हो गया और 7 स्टेप है, तो 7 से गुणा हो गया, टोटल ईट आ गया। और 39 इंटू 8, ये जिस पर हम बैठे हैं, ये देखिए ये वाला, 1 2 3, ये 3 स्टेप है, तो 3 से इंटू कर दिया और ये 8 ईटे हैं, ऐसे ऐसे पर 8 स्टेप है, तो 39 इंटू 8 हो गया। तो इस तरह से 936 हो गया, 936, 546, 468। और फिर कुछ ईटें इधर शेष में थे, इस साइड आप देख सकते हो, ये देखिए इस साइड कुछ शेष में ईटें हैं, ये टोटल 19 ईटें हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने 19 लिखा हुआ है, तो 19 हुआ। तो फिर इसको टोटल जोड़ने के बाद 1969 हुआ, 1969 ईटें यहाँ पर मौजूद हैं। और जबकि इसमें से मैंने 16 इसलिए माइनस किया, आपने देखा है, देख लीजिए, 16 इसलिए मैंने माइनस किया है क्योंकि यहाँ पर जो ईंटें नहीं देख रहे आप, ये देखिए खाली स्थान आपको दिख रहा है ना, तो यहाँ पर कुछ ईंटें खाली थी, इसको मैंने काउंट कर लिया और टोटल मैंने इसमें से इसको माइनस कर दिया। तो अभी हमारे पास 1953 ईंटें इस ट्राली में मौजूद हैं, मेरे कैलकुलेट के हिसाब से लमसम आपके सामने देख रहे हैं कि 47 ईंटें कम इस ट्राली में है। तो देखते हैं ये वापस लाते हैं कि नहीं लाते हैं। अगर आपके यहाँ भी इसी तरह का ट्राली में ईंट आता है और आप उसकी गिनती नहीं कर सकते, तो इस वीडियो के माध्यम से आप जान सकते हैं और समझ सकते हैं कि कैसे ईंटों को गिनती किया जाता है।